आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित आगे की समस्याएं, पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें हमने देखा था कि ऐसी संख्या ज्ञात करो छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी जो भी थे एलसीएम एचसीएफ थे, उसमें यह पूछा गया था कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कि इन संख्याओं से भाग किया जाए तो प्रत्येक अवस्था में एक संख्या दी गई थी, पाँच शेष बचे, सात शेष बचे, तीन शेष बचे, उनसे अलग टाइप के प्रश्न आ गए हैं। अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 16, 20, 24 और 28 से भाग करने पर क्रमशः है ये शेष बचे, अर्थात 12 से भाग करोगे तो 5 शेष बचेगा, 16 से भाग करोगे तो 9 शेष बचेगा, 20 से भाग करोगे तो 13 और 24 से 17 और 28 से 21 शेष बचेगा। तो इस टाइप के प्रश्न का हमने करने, तो देखो बिल्कुल आसान है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन संख्याओं को लिखना है, जैसे 12, 16, 20, 24 और 28 इनको लिख लेंगे, फिर जो भाग करने के बाद शेष बच रहे हैं उनको लिख लेंगे, यानी 5, 9, 13, 17 और 21। अब हमने क्या करना है कि इनमें से इन संख्याओं का अंतर निकालना है, अर्थात इनको घटा देना है। 12 में से 5 घटाओगे 7 बचेंगे, 16 में से 9 घटाओगे तो भी 7 बचेंगे, 20 में से 13 भी 7 और 24 में से 17 घटाएंगे तो भी कितना बचेगा 7, इसी प्रकार 28 में से 21 घटाएंगे तो भी कितना बचेगा 7। तो ये क्या है हमारा समान अंतर है, समान अंतर। तो इन इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यदि प्रश्न की स्टेटमेंट सही है तो ये आना चाहिए कि इनका डिफरेंस बिल्कुल सेम आना चाहिए। यदि सेम नहीं आ रहा फिर हम उसको अलग टाइप से हल करते हैं, तो इसमें सेम आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो संख्याएं दी हैं जिनसे भाग करना है, छोटी से छोटी पूछी गई है, इसका मतलब क्या पूछा गया, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक तो पूछा गया है, तो यही हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, 12, 16, 20, 24 और 28, ये वैसे पहले निकाल चुके हैं हम, एक बार और दोबारा देख लेते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले ये संख्याएं दो से भाग हो रही हैं, तो दो छिंग 12, दो अट्ठे 16, दो ढाई 20, 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28। अब इसके बाद ये अगर फिर दो से डिवाइड होंगी, तो दो दो तीये 6, दो चौके 8, दो पंजे 10, दो छिंग 12 और दो सत्ते 14। अभी फिर दो संख्याएं बच रही हैं जो दो से भाग होने वाली, दो ये नहीं होती तो ऐसे लिख देते, दो दूनी 4, 5, दो तीये 6 और ये 7। अब हमने क्या करना है, फिर दो से भाग करना है क्योंकि ये संख्या बची है, 2, 3, 1, 5, 3 और 7। अब ये संख्या देखते हैं हम, देखो दो से भाग ही नहीं हो रही, अब हमने चेंज करना है किससे, तीन से भाग करेंगे, तो तीन से भाग हो रही है तो हम तीन से कर देंगे, जैसे तीन से ये हो रही है, ये जैसे लिख देंगे 5, ये हो रही है, अब तीन से भी नहीं होगी। चार से देखते हैं, चार से भी नहीं होगी, अब हम किसे देखेंगे, पाँच से, तो पाँच से हो रही है, 1, 1, 1, 1 और यहाँ पे 7 आ जाएगा क्योंकि ये नहीं संख्या भाग हो रही। अब छः से देखेंगे तो कोई संख्या नहीं छः से भाग होने वाली, अब हम किसे करेंगे, 7 से, 7 से हो रही है, 1, 1, 1, 1 और 1। अब ये जो संख्या हमें मिल गई इनका जब गुणा कर दें तो वो क्या मिल जाता है हमें, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 2, देखो चार बार है, 1, 2, 3, 4, बिल्कुल सावधानी रखनी है, 3 × 5 × 7। अब देखो गुणा करना एक क्रम में करेंगे हम तो आसानी से उत्तर लाया जा सकता है, जैसे 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 3 × 48 कर दो और 5 × 7 = 35 कर दो, फिर 48 और 35 का गुणा करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, तो हम यहाँ क्या करें, 2 × 2 = 4, 2 × 8 और 8 × 5 = 40 हो गया, 16 × 5 = 80 हो गया, अब ये 7 × 3 = 21 हो गया। अब देखो इसका गुणा करना आसान है, 48 और 35 के बीच का क्या करना है, 0 मिल गया हमें तो 0 लिख लेते हैं, और 8 × 1 = 8 और 8 × 2 = 16, यानी क्या मिल गया हमें, 1680 मिल गया। अब 1680 मिल गया, अब हमें क्या करना है, जो समान डिफरेंस आया था उसको इसमें से घटा दो तो हमें अभीष्ट संख्या मिल जाएगी, अभीष्ट संख्या बराबर 1680 - 7। तो 1680 में से 7 गए, 10 में से 7 गए, 3 यहाँ के बच गया 7 और यहाँ 6, यानी 1673 हमें इसका आंसर मिल गया। तो पहला ही ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करते समय देखो, हम यहाँ पर 4 थे, यहाँ भी हमें 4 लिखने, और गुणा करते समय भी ध्यान रखना कि कोई रह न जाए, रह गया तो फिर हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो गलत हो जाएगा, इसलिए हर चीज़ को ध्यान देना है और अभ्यास करते रहना है, क्योंकि अभ्यास करना छोड़ दिया तो हम चीज़ें भूल जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं 47वां, बिल्कुल इसी की तरह है। 47th क्वेश्चन क्या दिया है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 48 से भाग करो तो 38 शेष आए, 60 से 50 आए, 72 से 62 आए, 108 से 98 और 140 से भाग करोगे तो 130 शेष आए, यानी इसी की तरह है। तो उसी की तरह प्रोसेस है हमारा, 48, 60, 72, 108, 140 ये संख्याएं हुई, जो शेष बच रही उनको भी लिख लेते हैं, 38, 50, 62, 98 एंड 130। तो ये संख्याएं कोमा लगाना ज़रूरी है, तो उसी की तरह हम इसमें भी इनका डिफरेंस निकालेंगे, 48 में से 38 घटाओ सिंपल है 10 बचेंगे, यहाँ भी 10 बचेंगे, 60 में से 50 गए, 72 में से 62 गए तो यहाँ भी 10 बचेंगे, और 108 में से 98 ऑल्सो 10 बचेंगे, 140 में से 130 तो यहाँ भी 10 ही बचेंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, समान अंतर मिल गया। तो वही पिछला क्वेश्चन था, उसी की तरह इसका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले इनका हमने एलसीएम लेना है, यानी 48, 60, 72, 108 और 140। तो वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या यानी 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से यानी 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तीय 6, 2 तीय 6, 1 बज गया, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अभी ये फिर 2 से ही कटेगी, तो 2 से काटेंगे यानी 2 12 दूनी 24 होते हैं, 15 दूनी 30 होते हैं, 18 दूनी 36 होते हैं, 27 दूनी 54 होते हैं और 35 दूनी 70, अर्थात ये इनसे कट गई। अब यह फिर 2 से कट रही हैं, कौन कौन सी संख्या है, एक ये और ये, तो काटेंगे जरूर, 2 छिंग 12, 15 नहीं कटती ऐसे ही लिख देंगे, 2 निम 18, 27 ऐसे ही लिख देंगे और ये 35 भी ऐसे ही लिख देंगे। अब अगला, अभी फिर कट रही है ये वाली संख्या, 2 तीय 6, 15 ऐसे ही लिख देंगे, 9 भी ऐसे ही, 27 भी ऐसे ही और 35 भी, क्योंकि ये कट नहीं रही। अब हम देखते हैं कि ये संख्या 2 से अब कोई नहीं कट रही, तो अगली संख्या क्या होगी, 3, 3 से काट के देखें तो 3 से कट रही कई संख्याएँ, 3 एकम 3, 5 15, 3 3 9, 3 निम 27, 35 नहीं कट रही तो इसको छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, 3 से फिर कट रही है तो 1 5 ये कट रही है, 3 एकम 3, 3 3 9 और ये 35। अब देखते हैं 3 से एक बार और कट रही है, 3 1 5 आएगा यहाँ पर, 1 1 और ये 35। अब हम देखते हैं 5 से कट रही, 3 से कटी नहीं, 5 से, तो 5 से कर देंगे, 1 1 1 और 5 सत्ते 35। अब ये 7 से कटेगी, 1 1 1 1 और 1। अब हम क्या देखते हैं कि इनका गुणा करना है, हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो गया, बराबर देखो 2 3 बार आया है सॉरी 4 बार, 2 तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 1 2 3 बार आया है गुणा में, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 और ये 5 गुणा में 7। अब देखो गुणा करना है सावधानी से, क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर वही कर देंगे, 16 पंजे 80, तो एक तो मिल गया हमें 80 और ये हो गया 3 3 9 9 3 27 और 27 और 7 का गुणा करना है, तो एक बार लिख लेते हैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ध्यान रखना है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, 3 3 9 9 3 27 और क्या बच गया है 7, तो अब इसका गुणा आसान है, 80 और 77 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने होते हैं 18। अब देखो 10 आ गया, 8 निम 72, 8 8 64, 64 और 7 71 और 8 एकम 8, 8 और 7 कितने होंगे 15, यानी 15120 हमें मिल गया, 15120 मिल गया एलसीएम। समान अंतर हमारा क्या है 10, तो इसी को इसमें से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगी अभीष्ट संख्या, रिक्वायर्ड नंबर, अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 15120 माइनस 10, घटाओगे तो 10 10 10 ही बचेगा, यानी 15110 हमें मिल गया। आंसर देखते हैं कहाँ पर है, 15110 दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यानी 48वां है, यह इनसे भी थोड़ा सा हटके है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, 4 अंकों की सबसे
छोटी संख्या क्या होगी, जानते हो आप? चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। बड़ी पूछी जाए तो हम चार अंक 9-9 के लिख देते हैं। अब पूछा गया है कि जिसे 7, 10, 15, 21, 28 से भाग देने पर क्या मचाइए शेष बचे, तो पहला पार्ट इसी की तरह है जैसे 7, 10, 15, 21 और 28 दिए हैं, ये शेष बच रहे हैं, अर्थात 5 यहाँ लेंगे, 8, 13, 19 और 26। अब क्या है, इनको घटा दो, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 10 में से 8 गए 2, 15 में से 13 गए 2, 21 में से 19 गए 2 और 28 में से 26 गए 2 भी 2, तो समानांतर क्या आ गया 2। अब सबसे पहले क्या करना है, इनका हमने एलसीएम लेना है, तो क्या है देखो, 7, 10, 15, 21 और 28, तो एलसीएम लेने के लिए वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 2 से डिवाइड हो रही है, 7, 2, 5, 10, ये 15 आएगा और ये 21 नहीं कटेगा, 14, 2, 28 होते हैं, अभी 2 से कट जाएगी ये वाली संख्या, तो ये नहीं कटती ऐसे ही लिख दो, ये नहीं कटती ऐसे ही लिख दो, 15, 21 और 2, 7, 14, अब नहीं कटती, कितने से कट रही है, 3 से, तो 3 से काट देंगे, 3, ये नहीं कटती ऐसे लिख दो, ये नहीं कटती ऐसे लिख दो, 3, 5, 15 और 3, 7, 21 और ये 7, अब 5 से कटेगी तो 5 से काट दो, 7 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा और 7 और 7, अब 7 से कटेगी तो 7 से काट दो, 1, 1, 1 और 1, अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम क्या हो गया, तो जानते हो आप एलसीएम क्या हो गया, इन सभी का हमने क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा वही हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आप जानते हो क्या करना है, 2 × 2, 3 × 5 × 7, शायद आपने अब तक निकाल भी लिया होगा इसीलिए मैं थोड़ी देर रुका था, तो जो गया 2 × 2, 4, 4 × 5, 20 और 7 × 3, 21, ये 7 है, तो 2 × 1, 0 आ गया, 2 × 2, 2 और 2 × 4, यानी 420 हो गया, यानी हमारे पास जो एलसीएम है यानी यह संख्या इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगी, लेकिन अब पूछा क्या गया है कि यह इनको पूरा पूरा भाग करे, यानी ये संख्याएं इसको पूरा पूरा भाग करें, लेकिन पूरा पूरा भाग करने पर क्रमशः हमारे लिए ये संख्याएं शेष मिलनी चाहिए, और यदि शेष मिलती हैं तो हमें क्या करना है कि इसमें से क्या करना है, जो समान अंतर आया था उसको घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 418 हमें मिल गया, अर्थात 418 ऐसी संख्या है जो इन सभी से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, और भाग होने के बाद जो भी शेष बचेंगे वो ये होंगे, लेकिन हमें प्रश्न में पूछा तो ये गया है कि चार अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 1000 है, अब हम क्या करेंगे, 420 से इसको भाग देंगे, 420 से, तो क्या बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 0, 2 × 2, 4 और 2 × 8, 0 में से 0 गए 0 और 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 8 गए, तो कितना बच गया, 1, यानी 160, इनका निकाल दो डिफरेंस, 420 में से 160 घटाओ, 420 -160, 0, 12 में 6 गए 6 और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, यानी 260। अब हम क्या करें, जो संख्या अभीष्ट संख्या है यानी इसमें क्या कर दें, 200 जोड़ दें, तो संख्या क्या हो जाएगी, बराबर 1000 + 260, यानी 1260 मिल गई, लेकिन 1260 संख्या इनसे पूरी पूरी भाग हो जाएगी तब ये शेष बचेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि साथ में ये वाला अंतर और आना चाहिए, तो इसमें से 2 और घटा दो तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, तो कितने हो गए, 1258 हमें इसका आंसर मिल गया। तो ध्यान रखना है सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद हमने जो संख्या दी गई है यानी यहाँ तक जो पिछला क्वेश्चन था वह हमारा हो गया, लेकिन इसमें 1000 यानी चार अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई, तो उसमें भाग करो, भाग करने के बाद जो शेष आए उस शेष को इसमें से घटाओ, और घटाने के बाद जो आए तो इसी में जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो समान डिफरेंस आ रहा था उसको घटा दो, तो इसका पहला आंसर हमें इसका बिल्कुल सही मिल गया। अगला यानी 49वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से सॉल्व करना है आपको, कोई गलती नहीं करनी है,
अगला यानी 49 में वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 125 और 94 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अब क्या है सबसे बड़ी संख्या अर्थात हायर कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकालना है। अब हमने एलसीएम नहीं निकालना, सबसे छोटी का मतलब एलसीएम, बड़ी का मतलब एचसीएफ, अर्थात 125 प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, इसको घटा दो कितना हो गया 124, 94 में से भी एक घटा दो तो कितना हो गया 93। अब हमने क्या करना है एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं इनमें छोटी संख्या कौन सी है, तो हम जानते हैं 93 है, 93 का भाग करना है 124 में, तो एक बार जाएगा 93, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ 12 में से 9 गए तो 31 और ये कितना आ गया 93। अब हमने इसमें भाग करना है तो 3 बार जाएगा 3 एक हम 3 3 3 9 यानी 93 आ गया, तो लास्ट भाजक है यहाँ 0 0 मिल गया तो वही क्या हो गया हमारा एचसीएफ बराबर 31। और यही 31 क्या है इन संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगा और एक एक शेष बचेगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया सही बी यानी दूसरा। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, समझ लिया हमारे वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं इसके कुछ और बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।